हेलो फ्रेंड्स, मैं हम राजीव कुमार गुप्ता। दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। दोस्तों, आपको याद होगा हमने खाद अपने घर के अंदर किस तरह से बनाई थी। अब आज इसको 2 महीने हो चले हैं, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। मैं बीच बीच में पानी डालता रहा था और यहाँ बरसातें भी आती रही हैं, तो अब मैं इसको हिलाकर देखता हूँ कि हमारा ये क्या बन गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिट्टी हमारी खाद में मिक्स हो चुकी है। मैंने बीच में इसको एक दो बार हिलाया भी था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं हमें जितना भी इसके अंदर फ्रूट्स छिलके वगैरह सब डाले थे वो सब के सब इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए आप, हम पोस्ट में तब्दील हो चुके हैं। ये एक नारियल का बड़ा सा रह गया है, ये नहीं हुआ है, हम इसको निकाल देंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हार्ड पोर्शन होता है किसी भी चीज़ का, वो इसमें नहीं हो पाता है खाद में कंपोस्ट में चेंज, क्योंकि वो हार्ड पोर्शन है। बाकी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई फ्रूट्स, कोई भी हमारे वेजिटेबल के छिलके वगैरह में यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड, ये सबसे बढ़िया तरीका मुझे यही लगा, क्योंकि मैं और तरीकों से बनाता हूँ जो नेट पे सर्च करके, तो वो मुझसे नहीं हो पाया, ना ही मैं उसको कर पाया। जब भी जितनी बारी मैंने किया उसको तो उसके अंदर कीड़े आ जाते थे काफ़ी सारे, स्मेल हो जाती थी बहुत सारी, मतलब नहीं बना पाया मैं, मुझसे नहीं बनी। मैंने कई बार कोशिश की, वो मेहनत तो बेकार गई गई, साथ में मूड भी खराब हुआ। फिर मैंने आइडिया लगाया कि हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बता चुका हूँ। पहले ही आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था खाद कैसे बनती है घर के अंदर। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट बिल्कुल सक्सेसफुली आया हमारे पास। अभी आपकी जो मिट्टी है खाद वाली, ये आपकी घर की बनाई हुई खाद जो है, ये अब आपकी यूज के लाने के बिल्कुल लिए तैयार है। अब आप इसको किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन व्यूवर्स ने मुझे तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी वीडियो बनाता हूँ ये उन लोगों के लिए हैं जिनका जो गार्डन है वो टेरिस पर है, छत के ऊपर है। और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा अपने व्यूवर से कि मैं बड़े खेत के बारे में नहीं बता पाता, क्योंकि मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमने इतने ज़्यादा क्वांटिटी में 2 एकड़ में, 5 एकड़ में, 10 एकड़ में ये लगाने हैं चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, तो मैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दे पाऊँगा। मैं सिर्फ जो टेरिस पे गार्डन है उसके बारे में ही आपको यहाँ बता पाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा कि हम घर के अंदर कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, में जाते जाते आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि हम प्लांट्स में देखते हैं कि सूंडियाँ चल जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की सूंडियाँ होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। मैं इसको फोकस करता हूँ, ये देखिए आप यहाँ बैठी हुई है, आप देख सकते हैं इधर ये बैठी हुई है। और जूम करता हूँ, देखिए। तो फ्रेंड, इस कीड़ों को भगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आपने करना कुछ नहीं है, तंदूर की खाद लाएं और जो तंदूर की सॉरी राख लाएं, उसको आप इसके ऊपर हल्का हल्का पौधों पर छिड़क दें मिट्टी में, जिससे कि आपके ये सूंडियाँ तुरंत भाग जाएंगी और आपके प्लांट्स को नहीं खाएंगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में इसी प्रकार कंपोस्ट बनाइए, जो कि मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान तरीका है, ना ही कुछ गंदगी फैलेगी इससे, ना ही कोई कीचड़ होगा, ना ही कोई स्मेल आएगी। अब आपकी ये रेडी है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्रश्न होगा आप उसे पूछ भी सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर मेरे विजिटिंग कार्ड पे दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। बाय दोस्तों।